ओके फ्रेंड्स, मीम से मामलात कुछ ऐसे हैं। इस वक्त मैं पहुंच गया हूं यूनी क्लब बैंक्वेट पे, एक खसूसी मीटिंग भी है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपसे ज़रा मेरे साथ रहिएगा और देखिएगा कि यहाँ के एनवायरमेंट देखिएगा और मेरी मीटिंग जो है आज वो काम के हवाले से है, प्रोग्राम के हवाले से। मैं आपको दिखाना चाहूँगा इसकी कुछ शॉर्ट्स, कुछ क्लिप्स आप देखें, इन्जॉय कीजिएगा। व्यूवर्स, इस वक्त मैं आपको यूनी क्लब अबुलस्वानी रोड यूनिवर्सिटी रोड के पास की बैंक्वेट, यहाँ आपको मैं लेके आ गया हूँ और यहाँ का एनवायरमेंट भी थोड़ा आपको दिखाना चाहूंगा। ये देखो, आए हो आप लोग इसे देखकर महसूस होंगे, क्योंकि एक तो बैंक्वेट की मैनेजमेंट का जो कॉन्सेप्ट आजकल कारोबारी पॉइंट ऑफ व्यू चल गया है वो बहुत फास्ट है। एवरीवन वांट टू डू समथिंग बेटर, यूनिक एंड यू न्यू। तो मीम से मामलात कुछ ऐसे चल रहे हैं कि काफ से कारोबार बढ़ाने के लिए मीम से मुफीद जुना और मशवरे पे काम चलाया जा रहा है। तो अपनी अपनी राय को बहुत से लोग महफूज कर लेते हैं, मगर मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने ये छोटा सा गुर दिया कि मेरे मामलात को लोग समझते हैं। तो आप लोगों का जैसे प्यार है, बहुत सारे लोगों का प्यार है, तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ थोड़ा सा इनसाइड भी और आउटसाइड भी, ताकि आप इसको देख सकें प्रॉपरली। व्यूअर्स, इस वक्त आप देख सकते हैं कि मेटालिक गोल्ड, मेल्ट गोल्ड वॉश और टेबल और चेयर्स का जो अरेंजमेंट किया गया माशाल्लाह खूबसूरत अंदाज में किया गया है। इसके अलावा यहाँ पर वाइट चेयर्स के साथ जो है ये फ्लावर वाज जो है ये भी लगाए गए हैं बहुत प्यारे अंदाज में। सेम गोज टू द नेक्स्ट लेवल, यहाँ तमाम चीज़ें इसी तरह की अरेंज की गई हैं और मुझे अच्छी लगी माशाल्लाह। और ये तो बहुत ही प्यारा लगा स्टाइल, इट्स वेरी गुड। ये देखिए माशाल्लाह, ये बिफोर टाइम जो है ना वो ब्राइड जो है माशाल्लाह आ जाते हैं लोग, ब्राइड एंड ग्रूम वगैरह जो उनकी इंट्री टाइमिंग होती है वो अपने वक्त पे आ जाती हैं। ये देखें, बिफोर जिस वक्त आपका हाल बैंक्वेट खाली होता है उस वक्त इन्हें रिपोर्ट करने होती है। और ये देखें कि कैमरा मैन जो है ना, ये कैमरा मैन जो है अपनी टीम के साथ रेडी होते हैं और ब्राइड जो है आपके सामने देखें। आप मेरे साथ रहिएगा और देखते रहिएगा कि यहाँ की खुशनुमाएं, यहाँ की रंगीनी, यहाँ की यूनिकनेस जो कि तमाम बैंक्वेट्स में अपने अपने तरह की अरेंज की गई है। तो गाइस, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को देखकर ये सेटअप यकीनन अच्छा लगा होगा। तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको पसंद नहीं आएगा, तो काइंडली मेरे इस तमाम आज के व्लॉग को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ओके व्यूअर्स, यहाँ बैंक्वेट्स के हवाले से मैं ये भी बताता चलूँ कि म्यूजिक सिस्टम, लाइटिंग सिस्टम और इसके अलावा एंट्री सिस्टम का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बेस्ट देने की कोशिश की जाती है। और ये भी ख्याल किया जाता है कि हमारा काम बड़ा यूनिक हो। इनका तो खैर नाम ही यूनिक अलग है, लेकिन पूरे कराची क्या पूरी दुनिया में एंट्री सेटअप जो है वो जो ना आउटस्टैंडिंग देने के लिए लोग बहुत कीमती, महंगा, यूनिक और बहुत अच्छा अच्छा सामान लगाते हैं, ताकि उनके हाल की जो है ना वो मार्केटिंग अच्छी हो, लोगों को एंट्री सेटअप पसंद आए। उसमें लाइटिंग के अफेक्ट शामिल हैं, स्मोक मशीन, बबल मशीन, फ्लावर मशीन, ब्लास्ट और स्पेशली साउंड सिस्टम, ये तमाम चीज़ें जो है शामिल हैं जिसको काउंट किया जाता है कि आपकी एंट्री लेवल जो है ना अगर अच्छी होगी तो वो आपको क्लाइंट मुतासिर करने में हेल्पफुल होगा। तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि ऐसे बहुत सारे वीडियो जो आपको बना के दे सकूँ जिसके बारे में बता रहा हूँ डिटेल,
आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे आप मेरे साथ मुंसलिक होते जाएंगे, जुड़ते जाएंगे, तो फिर मैं आपको इंटरनली बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें शो ऑफ करूंगा, जिसमें आप देखेंगे कि इसका लेवल और इसकी थिंकिंग क्या है, कि किस तरीके से अपने प्रोग्राम को आप अच्छे हाथों में दे सकते हैं, किन किन चीज़ों के बारे में आपको इल्म होना चाहिए. यू हैव नॉलेज सो यू कैन डू बेटर बेटर एंड बेटर. थैंक यू. बैंक्वेट में यहाँ का एनवायरमेंट मैंने आपको शो ऑफ किया, बहुत नज़ाकत और प्यार से और बड़े ही यूनिक अंदाज से यहाँ काम किया गया है. तो मेरे पीछे भी आप देख सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरत सा इन्होंने एक ग्रीन जिसे कहते हैं क्यारी सा एक बनाकर एक सिटिंग अरेंजमेंट भी दी है. आप थोड़ा करीब लेके आए, थोड़ा यहाँ पर ये देखिए. वाओ, इट्स लुक्स वेरी नाइस, बहुत अच्छा लग रहा है. और आज के इस व्लॉग में मैं आपको ये बता दूं, क्या इसके ये जो जितना भी खूबसूरत काम है ये यू समझ लें कि आपके यूनिक माइंड से बनता है. तो आई होप आप लोगों को ये बहुत अच्छा लग रहा होगा. मेरे साथ रहिएगा. थैंक यू.